अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में मऊ की सीमा में नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी, 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा, मुकदमा लिखाएगा जेल। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये लाइनें समाजवादी पार्टी के नेता विद्युत यादव के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यूपी पुलिस ने विद्युत यादव को मऊ जिले से बाहर खदेड़ दिया, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। इतना ही नहीं, पुलिस ने सपा नेता से ये तक कह दिया कि वो अगर अगले 6 महीनों तक मऊ जिले में दिखाई दिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अब ये कार्रवाई चर्चा में इसलिए है क्योंकि विद्युत यादव अखिलेश और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत यादव सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वो मऊ के बढ़राव ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई गुंडा एक्ट के तहत की गई। पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया था। इन सदस्यों ने सपा नेता का समर्थन करते हुए जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। सपा नेता विद्युत यादव पर लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसमें वो जमानत पर चल रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी ने नेता के रसूख को दरकिनार करते हुए उन्हें जिला बदर कर दिया। अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में मऊ की सीमा में नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी, 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा, मुकदमा लिखाएगा जेल। उधर वायरल हो रहा वीडियो हैरान करने वाला है। मऊ जिले में कभी विद्युत यादव का रसूख कायम था। एक वक्त था जब उनके वर्चस्व के चर्चे दूर दूर तक होते थे, लेकिन इस बार न केवल पुलिस ने एक्शन लिया बल्कि बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। पुलिस सपा नेता को जिले की सीमा तक लेकर गई और ढोल नगाड़े बजाते हुए जिले से बाहर खदेड़ दिया और सपा नेता वहां से चुपचाप अकेले निकल गए। वक्त की विडंबना देखिए, जहां कभी मऊ जनपद में जिस नेता की तूती बोलती थी वो आज ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर भागते नजर आया। बहरहाल विद्युत यादव पर हुई इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।